नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के सादरा इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट में चार लोगों ने जान गंवाई है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग में चार लोगों ने झुलसकर दम तोड़ दिया। वहीं एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि घटना सादरा के फर्ज बाजार इलाके की है। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य किया गया है। यह हादसा मंगलवार की रात यमुना पार के फर्ज बाजार स्थित भी कम सिंह कॉलोनी में हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक घर में आग लग गई। मौके पर पहुंची अलग अलग स्टेशन से आग बुझाने वाली 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि रात लगभग 12:14 पर सिलेंडर ब्लास्ट होने की सूचना कंट्रोल रूम को मिली थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचते ही कुछ देर में आग पर काबू पा लिया था। 5 लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था। एक व्यक्ति 25% जल गया था। सभी को कैटरस एम्बुलेंस के द्वारा हेड केवार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 4 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले की मौत दम घुटने से हुई है। मृतकों की पहचान मुन्नी देवी 45, नरेश 22, ओम प्रकाश 20, सुमन 18 के रूप में हुई है। घायल लालचंद का इलाज अभी चल रहा है। आग लगने का कारण घर में रखे LPG सिलेंडर का लीक होना बताया जा रहा है। ये घटना विक्रम सिंह कॉलोनी के गली नंबर 16 में स्थित मकान में हुई है।